अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बाय सेल्फ एक आर्ट है कि आप टेक्स्ट को अपने डिज़ाइन में यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट की ये पहचान होती है कि इसके एजेस होते हैं एंड में, स्टार्ट में जो कैपिटल वर्ड होता है और जो स्मॉल होते हैं उसके एंड में एजेस होते हैं इस तरह के। ये देखें, ये एजेस होते हैं तो ये सेरिफ फॉन्ट्स की पहचान है, ठीक है। अब ये मोस्टली किस लिए यूज़ होता है? ये क्लासिक डिज़ाइन में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में यूज़ होता है और बुक्स वगैरह में यूज़ होता है सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ, अब देखते हैं सेरिफ है क्या। सेरिफ बाय सेल्फ एक फॉन्ट नहीं है, सेरिफ एक कैटेगरी है, ठीक है। हम सेरिफ के ऊपर क्लिक करके जो टेक्स्ट में फॉन्ट्स का ऑप्शन आता है यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेरिफ। तो देखिए, सेरिफ से मिलते जुलते जितने भी फॉन्ट्स हैं सेरिफ कैटेगरी में, जो जो फॉन्ट आते हैं यहाँ पे वो सब आ जाएंगे। आप लोग किसी के ऊपर भी क्लिक करके देखें तो सबके एंड में इस तरह के एजेस लाजमी शो होंगे। तो ये क्योंकि यही सेरिफ की पहचान है कि जिसके एंड में एजेस होंगे ये सेरिफ फॉन्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ फॉन्ट होता है जिसके एजेस नहीं होते और ये मोस्टली यूज़ होता है मॉडर्न डिज़ाइनिंग में, वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप्स वगैरह में, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेम वैसे जैसे हमने सेरिफ का टाइप किया था, यहाँ पे मैं टाइप करूँगी सैन सेरिफ। देखें, यानी यहाँ पे लिखा सैन सेरिफ। जो मैं बता रही हूँ अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना तो आप लोग फॉन्ट में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। सैन सेरिफ लिखा तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे सैन सेरिफ कैटेगरी के बहुत सारे फॉन्ट्स शो हो गए। अब मैं इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगी तो मेरे पास सारे सैन सेरिफ आएंगे। देखें, इनमें किसी में भी एजेस शो नहीं होंगे। तो ये सारे सैन सेरिफ की कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद आता है डेकोरेटिव कैटेगरी। डेकोरेटिव कैटेगरी में स्क्रिप्ट, ग्रंच और फैंसी फॉन्ट्स भी आते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी डेकोरेटिव। देखें, मैंने यहाँ पर लिखा डेकोरेटिव। डेकोरेटिव कैटेगरी में जितने भी फॉन्ट्स आते हैं वो सब मेरे पास शो हो गए। याद रहे कि डेकोरेटिव फॉन्ट सिर्फ एक आध टाइटल में यूज़ करते हैं या एक आध वर्ड में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर डेकोरेटिव फॉन्ट नहीं यूज़ करते, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, टाइटल वगैरह में अच्छा लगता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जो भी फॉन्ट यूज़ करें वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने में आसानी हो। और नेवर यूज़ टू मच टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो गोलागंडे टाइप लुक आ जाता है। अब मैं आप लोग को फॉन्ट से कुछ बनाकर दिखाती हूँ। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके मैंने न्यू पेज लिया और इसका कलर चेंज करके मैंने स्काई ब्लू कलर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर ऐड हेडिंग पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर लिखा नेवर, ठीक है। और मैं यहाँ से फॉन्ट का ऑप्शन में जाकर बोल्ड लिखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बोल्ड टेक्स्ट आ गए हैं, तो इसमें से मैं कोई से भी सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको इसका ये प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा कर लूँगी। देखें, मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया और फिर मैं कॉर्नर से ड्रैग करके भी बड़ा कर लूँगी। ये हमारा कैनवा का कोर्स चल रहा है और इसकी प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एरो वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके मैंने लेटर स्पेसिंग कम कर दिया है और फिर इसको ड्रैग करके मैंने सेट कर दिया है इस तरह से और अलाइन टू मिडिल कर दिया है। अलाइन टू पेज में जाकर मिडिल कर दिया, मतलब ये पेज के मिडिल में आ गया मेरा फॉन्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगी। शेयर के ऑप्शन पर जाकर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट पेजेस, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेजेस हैं तो मैं उन सबको डिसलेक्ट कर दूँगी, चेक के निशान हटा दूँगी और जो पेज पर सेव करना है सिर्फ वहाँ पर चेक का मार्क रहेगा। और फिर डाउनलोड करके ये देखें मेरी इमेज ही वाली डाउनलोड हो गई है। अब मैं ऐड टू न्यू पेज करूँगी और अपलोड में जाकर अपने PC में से वाली इमेज अपलोड कर दूँगी। आप लोग भी इस तरह का बनाइएगा, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट होती है। देख देख कर किसी को नहीं आता जब तक वो खुद से कोई काम करते नहीं है। उस इमेज को मैंने सेलेक्ट करके कॉर्नर पर रखकर ड्रैग किया है और एक और कॉपी ली है और उसको नीचे करकर बीच का जो निशान होता है उससे पकड़कर कट कर दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेव कर दिया। ऊपर वाली इमेज पर क्लिक करके सेंटर मार्क से इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सेट करूँगी कि सेंटर में हमारे पास थोड़ा सा स्पेस भी रहे और इस तरह से ये सेट हो जाए, ठीक है। देखें, इस तरह से ये सेट हो गया। अब मैं टेक्स्ट का ऑप्शन में जाकर ऐड हेडिंग, सेंटर में ऐड हेडिंग लिखूँगी
रखूँगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया गिव अप और मैं इसका कलर ए पे एक ऑप्शन पे जाकर इसका कलर चेंज करके वाइट कर दिया है। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूँगी तो मेरा टेक्स्ट का ऑप्शन फॉन्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगी एस पी से मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। ये वाला मैंने फॉन्ट ले लिया है और देखें अब मैं इसको सेंटर में सेट कर दूँगी। सेंटर में सेट करने के बाद इसको मैं अलाइन टू पेज कर दूँगी और मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।